हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले बहुत सारे फनी मीम्स और सबको रिव्यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट यू गाइस गोइंग इनटू द वीडियो। वंस अगेन वी आर स्टार्टिंग द स्ट्रीम एवरीवन। हेलो हेलो हेलो, जवानी तेरी What's the best slide for kids? What? Your throat. You're going to start in a seated position, placing one hand flat down on the floor, the other hand follows, and then slightly opening your knees apart. Back between your legs, and then opening the feet apart. You're going to extend the forearms out. You're going to start in a seated कौन सी स्कूलों में हो रहा है ये? कौन सी स्कूलों में ये सब हो रहा है यार? हम लोग स्कूल में थे भाई, लड़का लड़की का हाथ पकड़ लेता था तो भाई मुझे सच में लगा कि ये अपन लोगों के लिए, लॉन्डो के लिए एजुकेशन सेंटर खोलने वाली लड़की। कुछ नहीं हो रहा ऐसा, ये सिर्फ अपने बालों में ही लगाने वाली है। हाँ, अगर वो बाल कहीं और, तू समझा? गुड नाइट माय चेरी प्लम्पकिन, माय चेरी प्लम्पकिन, माय चेरी प्लम्पकिन, गुड नाइट माय चेरी प्लम्पकिन, माय चेरी प्लम्पकिन, माय चेरी प्लम्पकिन, गुड नाइट। चलो आप भी कर दो, आप भी कर दो, ये मैं कहता हूं। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूं? देखो कयामत लग रहे, स्मार्टी स्मार्टी लग रहे, नहीं लग रहे भाई। आपका क्या नाम है? भाई कितनी गर्लफ्रेंड है आपकी? कयामत लग रहे हो। चार? अच्छा भाई क्या बात कर रहे हो भाई, इस पर्सनैलिटी पे सिर्फ चार? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया भाई। कम से कम 10 बनती हैं आपकी, 10 भाई 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 एक भाई दोबारा ऐसा कर दो। हाँ सो गाइस, रिसेंटली हम लोग वडोदरा में थे एंड हमने ट्राई किया वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्लूमिंग ऑनियन, इसे ऑनियन ब्लॉसम भी कहते हैं, एंड ये एक ऑस्ट्रेलियन डिश है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप भी। भाई मैंने कल ही कहीं पे देखा था। अरे ये ऑडियो फीडबैक के आ रहा है, इंडिया में पता नहीं क्या हो रहा है, जो चीज मिल रही है ना। और तुम्हें सुनाऊं मोटबाजी की कहानी, मेयो पे मेयो, मेयो पे मेयो। मैंने कल ही कोई तो भी तो वीडियो देखा था उसके अंदर मेयो पे मेयो डाल रहा था यार, हर जगह मेयो डलने लगता है। ये वीडियो है ना, वो जो रेसिस्ट लोग ना, जो चूतिया रेसिस्ट लोग को खालू बुलाते हैं मेरे को, दो चीज समझाते हैं तुम लोग को, ठीक? ये है कि हम काली है तो क्या हुआ, दिल वाले है। और एक और चीज ना, तुम लोग ना जितना भी गोरे हो सकते हो ना, वो के बीच में ना, वो के बीच में समझो ना, कभी गोरा नहीं हो सकते। हमें काले हैं भाई, लोगों को ये कौन सिखा रहा है? कौन हमारा आराम का दोस्त है जो इन लोगों को ये सब हिंदी सिखा रहा है भाई, इतनी फ्लुएंट वाली? कौन है साला? कमेंट करो भाई, तुम्हारा अगर ऐसा कोई दोस्त है जो सिखा रहा है इन लोगों को। करना ये आपने कि आपने ये जो बैठा हुआ है ना, इसको टिकल गुदगुदी करनी है, हंस पड़े, और आपने हंसना नहीं। अगर हंस गए ठीक है, तो इस बार बाहर। जिंदगी हो मौका ले, मेरी जिंदगी बन जाए। नहीं बोलो नहीं कुछ भी, ज्यादा नीचे नहीं जाओ भाई, बहुत ही तो हिम्मत ले रहे हैं फिर। हाँ ना, पर्सनल हो रहे हैं बॉस ये तो। बस बस क्यों भाई, ज्यादा नीचे नहीं जाओ, ये तो पर्सनल हो रहे हैं भाई। गंदी हरकतें नहीं करो यार। आखिरी 30 सेकंड है आपके पास, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं जीत रहा हूँ इसे। अच्छा, ये जीतने का निशान है। निशान मत डालो यार, बस ये तो पटा। हाथ डाल ले। कहाँ डाल रहे? हाथ डाल ले बस। हो गया, मजे आ रहे इसको तो। कर ले बलोश, कर ले। जो बात सुनी थी तुम्हारी सच हुई कि तुम होते ही ठरकी हो। नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाना आप। सेकंड हो गए बस। आपने क्यों बोला 10 और सेकंड होंगे? चलो पप्पा के शो में, पप्पा को बता रहे शो कैसे चलेगा। ओ भाई चैलेंज।
ठीक है, अबे क्या हो रहा है, कौन करना ये आपने कि आपने जो चैंपियन ये शो देखेंगे आज हम, है ना। बाकी सब की माँ की भाई बोल नेटवर्क की कहाँ के शो है भाई, ये कौन करवा रहा है, आज ये देखेंगे भाई। वो वाली चीजें दिखाऊंगा जो YouTube एग्जिस्ट मतलब करती है, तुम लोगों को नहीं पता करती होगी, तो देखते हैं पहले ये वीडियो देखते हैं। आपने यहाँ फॉर्म पे एक चीज लिखी है, इसका एविडेंस है आपके पास, प्रूफ है, या ऐसी अटेंशन के लिए आपने लिख दिए गए? क्या जो आपने लिखा हुआ ये? ओ भाई हम कुछ कहे या ना कहे, इंटरनेट पाकिस्तान की लड़कियां भाई। ये क्या लिखा हुआ आपने, ये जो लिखा हुआ है विदाउट प्रूफ तो कोई बात नहीं होती ना, और एविडेंस नहीं हुआ तो फिर बहुत बेइज्जती होगी, और एविडेंस अगर झूठा निकला या बेबुनियाद मैं वकार जका के सामने बैठ के झूठ बोलूंगी, मुझे पता नहीं मेरी कितनी इंसल्ट होगी। दिखाएं हम में है हिम्मत, मुझे पता नहीं मुझे कितनी इंसल्ट होगी हर चीज दिखाने की, पाकिस्तान तब भी तो कुछ कर नहीं रहा। अच्छा हमारे जितने भी स्टार्स हैं वो इन चक्रों में लगे हुए। भाई अभी तक का मेरा गैस है कि लड़की का कुछ तो भी तो ऐसा कुछ वीडियो हो गया होगा शूट उट, पर अब जो हमारे होस्ट साहब है वाकर साहब, इनको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि तुम, अरे बाकी बातें छोड़ो यार पहले तुम वीडियो बताओ, ये इंटरेस्ट बस तो मेरे को लग रहा है सेकेंडरी बात है, पहले वीडियो और फिर उसके बाद में कुछ और। पाकिस्तानियों की क्लास रहेगी ये वीडियो, कैसे आई आपके पास? वीडियो मैंने खुद बनाई है, कैसे क्या है? आपने खुद बनाई है? हाँ, ये लेकिन आपकी आवाज दूसरी तरफ रोज 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 आप मोबाइलों में नंगे हुए हैं, तो इनको अच्छी बात नहीं, इनको सामने लाके नंगा किया जाए? नहीं, ये तो उनकी पर्सनल लाइफ नहीं है। देखिए आप जब एक स्टार है ना तो यू आर अ पब्लिक फिगर, योर पर्सनल लाइफ इज पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है? या बाय ना, क्या बोल रही है भाई ये, क्या किसकी पर्सनल लाइफ किसकी पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी की पर्सनल लाइफ पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे है? काम पे फोकस करें ना यार, जो आपका काम है। नंगा तो नहीं हुआ वा इसमें? नहीं, लेकिन ये एक किस्म से यही है कि आप यही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आप हर टाइम लगे हुए हैं, मतलब आपकी आपको अब देखे ना, अब क्या है पेट निकले इनके बाहर, कोई इनकी कोई फिजिक नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो फोन पे रातों को बैठे हुए फोन पे वीडियो कॉल कर रहे होते हैं। What the fuck is she saying, dude? क्या बोल रही है? रात को फोन चला रहे, पेट आया हुआ है मतलब लॉन्डो का, अरे भाई गजब। अच्छा आपको कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है फिर दुनिया में क्रिकेट? विराट कोहली। इंडियन प्लेयर अच्छा लगता है यार? इंडियन प्लेयर देखिए बंदा ना अपनी लुक से अपने काम से बजाना चाहता है, उसने शादी की, कभी देखिए वीडियोस लगा रहे हैं जैसे हमारे हसन साहब ने पूरा गाना बना दिया, कभी देखे चोर बने? विराट कोहली ओपी इन द चैट भाई, पाकिस्तान की लड़कियां फैन है भाई, फैन फैन विराट कोहली का स्टार्डम ही अलग है भाई। विराट कोहली की बीवी तो ऑलरेडी फिल्म स्टार है इसलिए उसको वीडियो बनाने का शौक नहीं है, हसन और उसकी बीवी फिल्म स्टार तो नहीं है इसलिए उनका दिल कर रहा होगा वीडियो बनाने का। ये जो होस्ट है ना भाई, ये प्योर कट्टर पाकिस्तानी है, मतलब ये किसी भी हालत में डिफेंड करके रहेगा, ये वो वाला सीन हो रहा है यहाँ पे। ये क्या किया था आते हुए? सर ये मेरा स्टाइल है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी। फ्लोर को चूमने से आपको लगता है परफॉर्मेंस? सर ऐसे बहुत से आर्टिस्ट करते हैं इस वजह से। फ्लोर को चूम के एकदम मेरा भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा, मेरा भी वीडियो अच्छा बनेगा। लाओ भाई एक और अंडा। या मुझसे पूछ रहे हैं कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू, ये सोचता ही रह तू वहां दे। अब आपने ये करना है जी, ये अंडा जो है हाँ। जब मैं गो बोलूंगा छिलके समेत खा लेना, ठीक है? ओके, जो पहले खाएगा वो जीतेगा। गो। क्या हो रहा है ये? जिसका खत्म हो जाए वो मुंह खोल के बोलेगा चैंपियन। चैंपियन बैठेगा। हाँ जो बैठ। Ha 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 ha!
कोई आंख से खेल रहा है, उसको कह रहा है दूसरे को तू भी खेल के दिखा दे यार। अरे 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 कहां से पकड़ेगा? अरे क्यूटू क्या करता है क्यूटू? आ गया है क्यूटू, आ गया है क्यूटू, क्यूटू क्यूटू भाई आई लव दिस क्यूटू बैठ जाए। ज्यादा नीचे नहीं जाओ भाई, बॉस ये तो हिम्मत ले रहे हैं फिर। हाँ ना पर्सनल हो रहे हैं बॉस ये तो। बस बस गंदी हरकतें नहीं करो यार। गंदी थोड़ी, मैं तो आपको आसारे ही कर रहा हूँ। ओके कर लो भाई, सीरियस हम। सीरियस है हम। आखिरी 30 सेकंड है आपके पास। आ गया है क्यूटू, तो तुम्हें सुनाऊ मोटबाजी की कहानी। अरे यार ऑटोमेटिक डोर था वो, अगला भी कह रहा है अरे भाई रुक जा सेंसर है सेंसर है, और मैं खुद से खुल के आ गया। भाभी बॉलिंग करना पड़ेगा। मैं भाभी इज्जत का सवाल है। नहीं नहीं प्लीज प्रेम, आसान है यू करके यू करने का है। बस दर्शकों हमारे नए खिलाड़ी के लिए जोर से तालियां तालियां। बॉयज कन्विंसिंग देयर गर्लफ्रेंड्स आसान है, ऐसे करने का है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने हो तो प्लीज जाओ सब्सक्राइब करो लाइक ठोको और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।